गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। देखो, आर्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, बेल आइकन को दबाना है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो, बात कर रहे थे अपन ट्वेल्थ क्लास की और प्रतियोगिता परीक्षा की, तो ध्यान से पढ़ें क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाला है। पांडुलिपि चैप्टर पढ़ते हैं अपन, फर्स्ट चैप्टर। इसका जर्नल थोड़ा जल्दी करके जर्नल चीज़ें तुरंत पढ़ लेते हैं हम, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। पांडुलिपि चित्र सेल। देखो, मैं आपको मेरे हस्तलिखित, मतलब मैंने जो लिखवाए हैं उन नोट्स के आधार पर पढ़ा रहा हूँ आपको। मैंने खुद ने जो लिखवाए उन नोट्स के आधार पर ही लिखवा रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, एक एक चीज अपन पढ़ के समझेंगे। देखो, पांडुलिपि चित्र शैली में क्या मोस्ट है। देखो, ये मेरा खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, खुद के लिखवाए हुए नोट्स हैं ये, और मेरे बहुत अच्छे एक विद्यार्थी ने लिखे हैं। देखो, पांडुलिपि चित्र शैली, इसमें क्या लिखा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना 5वीं शताब्दी में हुई थी। इसके अंदर एक विष्णु धर्मोत्तर पुराण था, विष्णु धर्मोत्तर पुराण रचना कब हुई, 5वीं शताब्दी। देखो नेक्स्ट, एक एक बात पढ़ रहे हैं अपन, हुई थी इसके तीसरे खंड या भाग में चित्र सूत्र नामक अध्याय है। कौन सा खंड, तीसरा खंड, और तीसरे खंड में कौन सा, चित्र सूत्र नामक एक अध्याय है। देखो, चित्र सूत्र नामक अध्याय है जिसको भारतीय कला और विशेषकर चित्रकला की मुख्य पुस्तक मानी गई है। यह अध्याय आकृति बनाने की कला से संबंधित है, इसे प्रतिमा लक्षण कहते हैं। प्रतिमा का मतलब होता है निर्माण, मूर्ति का निर्माण, प्रतिमा, प्रतिमा होना। तो इसमें क्या है, ये प्रतिमा का लक्षण है। लक्षण का मतलब प्रतिमा बनाने की विधियां हैं, चित्र बनाने की विधियां हैं, अर्थात चित्र सूत्र ग्रंथ सबसे मुख्य माना गया है। इससे अब तक जो लिखा है उसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्रमुख ग्रंथ है कला का। इसके अलावा 5वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई। इसके अलावा विष्णु धर्मोत्तर पुराण के ही तीसरे खंड में चित्र सूत्र नामक अध्याय है। चित्र सूत्र तीसरे खंड में, जिसके अंदर चित्र या कला बनाने की विधियां बताई गई है, जिन्हें प्रतिमा लक्षण कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, आपको याद करना ही होगा, प्रतिमा लक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिमा लक्षण किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। प्रतिमा लक्षण वापस देख रहे हैं एक बार। यह अध्याय आकृति बनाने की कला से संबंधित है, इसे प्रतिमा लक्षण कहा जाता है, मतलब आकृति बनाई जाती है। और दूसरी बात, यह धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र ग्रंथ, मतलब धर्म सूत्र का मतलब जैसे अपने धार्मिक ग्रंथ होते हैं उन, जैसे अपन भगवत गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उसके आधार पर अपने को जो ग्रहण होता है, वैसे ही चित्रकला या कला, विशेषकर कला, कला आर्ट के लिए ये धर्म ग्रंथ है। कौन सा, चित्र सूत्र धर्म ग्रंथ माना जाता है, इसके आधार पर ही सारी चीजें फिक्स की जाती है। देखो आगे, देखो इसमें षडांग के बारे में बताया गया है। षडांग मतलब 6 अंगों के बारे में, चित्रकला के 6 अंगों के बारे में बताया गया है। किसमें, चित्र सूत्र में। क्या बताया गया है, जैसे रूप भेद, ये आपको सबको आते होंगे, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। देखो षडांग कौन कौन से, रूप भेद, दो रूपों के मध्य अंतर स्पष्ट करना, प्रमाण, प्रमाण का मतलब नापतोल, बिल्कुल नापतोल, भाव, जैसे चित्र बनाए उसमें भाव प्रकट होना वैसे, लावण्य योजना, सुंदरता का भाव होना, सुंदरता दिखाई देना, सादृश्य मतलब के जैसा, जैसा अपन ने देखा वैसा का वैसा चित्र बनाना, वर्णिका भंग, रंगों के मध्य भेद स्पष्ट। ये सब कुछ चित्रकला के जितने भी अंग हैं ये सारे चित्र सूत्र के अंदर बताए गए हैं, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, फिर आगे अपन देखते हैं कि ये थोड़ा सा है ऐसे ही मैटर, लेकिन मोस्ट मोस्ट बात जो अपन ने पढ़ ली। देखो आगे, मेवाड़ के विजय सिंह के समय, किसके समय, विजय सिंह, देखो विजय सिंह के समय, मेवाड़ का विजय सिंह था, और मेवाड़ के विजय सिंह के समय 1260 ईस्वी में, लगभग कौन सी ईस्वी में, 1260 ईस्वी में कमल चंद्र द्वारा लिखित, कमल चंद्र किसके द्वारा, कमल चंद्र, कमल चंद्र ने लिखी थी, क्या क्या लिखी थी,
श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी, ये ग्रंथ लिखा गया था। श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी, ये ग्रंथ लिखा गया है पूरा, ठीक है। किसके, विजय सिंह के समय मेवाड़ में 1260 ईस्वी में कमल चंद्र द्वारा श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ लिखा गया था। कौन सा? श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी। इसको श्रावक प्रति सूत्र चूर्णी करणी भी कहा जाता है। ग्रंथ संग्रहित है। दूसरा कौन सा? मोस्ट लगा, नोट लगा के लिखा हुआ है, संग्रह के पर्ण पृष्ठ को फोलियो और पुष्पिका पृष्ठ को कोलोफोन कहा जाता है। पर्ण पृष्ठ का मतलब होता है ऊपर का कवर, और पुष्पिका पृष्ठ का मतलब अंदर जो डिटेलिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? कोलोफोन। ये दोनों बात याद रखना, फोलियो, फोलियो और कोलोफोन, फोलियो और कोलोफोन, फोलियो और कोलोफोन, ये दोनों। फोलियो का मतलब होता है बुक का कवर पेज, और कोलोफोन का मतलब होता है अंदर जो उसकी डिटेल दी हुई है वो सब इसमें लिखा होता है, कोलोफोन, ठीक है। पुष्पिका पृष्ठ को देखो, ये जो अपन ने बातें लिखने हैं ये किसके बारे में लिखने हैं? पांडुलिपि। और पांडुलिपि होती क्या है? पांडुलिपि दो, सॉरी, चित्रों का एक ऐसा क्रम है जो पर्ण पत्तों पर बनाया जाता था। और कौन से पत्तों पर यह बनाया जाता था? ताड़पत्र पर, ताड़पत्र पर। और एक चित्रित संग्रह है, बहुत संग्रह है, विशाल संग्रह है, जिसके माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ, चित्रकला का शुभारंभ हुआ, उसकी ये डिटेल इसमें दी गई है। देखो आगे इसमें क्या बताया गया आगे कि, नेक्स्ट देखते हैं अपन, राजाओं व राजदरबारों के बीच पांडुलिपि चित्रों, राजाओं व राजदरबारों के बीच में पांडुलिपि चित्रों का आदान प्रदान करना उपहार माना जाता था। इसलिए देखो इसमें एक चीज क्या क्या थी, यहां पर एक दो सुप्रसिद्ध शैलियां थी, दो, कौन सी? एक जैन शैली और एक पाल शैली, दो शैलियां प्रमुख थी। अपन मोस्ट मोस्ट पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे, मोस्ट मोस्ट जो आपको, आपको और मुझे जो लगता है कि वो आएगा ही आएगा क्लियर, उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं, पूरी चीज नहीं पढ़ पा रहे हैं अपन, ठीक है। जैन शैली, पाल शैली, दो प्रमुख है। जैन शैली में क्या होता था? जैन शैली में एक बात होती थी कि जो भी मेट्रो होता था, जो भी मेट्रो होता था जैन शैली के अंदर, उसको एक ग्रंथ के रूप में संग्रहित किया जाता था। किसके? ग्रंथ के रूप में। और इसके लिए इस ग्रंथ का क्या किया जाता था? शास्त्र दान किया जाता था। शास्त्र दान मतलब शास्त्रों का आदान प्रदान किया जाता था, दान दिया जाता था। वो सबसे ज्यादा किसमें होता था? जैन ग्रंथ। ये जैन ग्रंथ में शास्त्र दान की जो परंपरा है ये भी आप याद रखेंगे, शास्त्र दान की जो परंपरा है ये बहुत मुख्य परंपरा मानी गई है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन पश्चिम भारतीय शैली। ये मैंने बताया आपको जैन शैली, जैन शैली की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैंने नोट लगवा के लिखवा रखी है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में, और कल्पसूत्र में चित्रित है। किसमें? कल्पसूत्र में। महावीर स्वामी का जन्म कल्पसूत्र में, क्योंकि देखो जो जैन धर्म का ग्रंथ था, जैन धर्म के ग्रंथ में क्या किया गया है कि जो 24 तीर्थंकर थे, जैन मुनि थे, ऋषि मुनि थे, उनका पूरा विवरण चित्रित किया गया है। उसमें 24वें तीर्थंकर थे कौन? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के जन्म का भी परिचय दिया गया है इसके अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी बात, महावीर स्वामी की माता को, महावीर स्वामी की जो माता थी उनके 14 स्वप्न, जो महावीर स्वामी की माता क्या नाम था? त्रिशिला, त्रिशिला, इनके 14 स्वप्नों को दिखाया गया है। देखो महावीर स्वामी का जन्म 15 शताब्दी में कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। इसके अलावा त्रिशिला के 14 स्वप्नों में कल्पसूत्र का चित्रण है, जिसमें महावीर के गर्भाधान के समय, महावीर जब पेट में था उस समय से लेकर महानिर्वाण, जब उसकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु हुई सॉरी, तब तक का पूरा इसमें संग्रहित है। देखो कालकाचार्य कथा और संग्रहणी चित्र दो लोकप्रिय चित्रित ग्रंथ है इस समय के, कालकाचार्य कथा और संग्रहणी सूत्र। कालकाचार्य कथा में एक तपस्विनी के बारे में बताया गया है कि एक तपस्वी था और उसकी बहन थी, उस बहन को कोई एक डाकू चोर राजा उठा ले जाता है, अपहरण कर लेता है, और फिर कैसे कालका उसको बचाता है, ये पूरी कहानी है, ये आप पढ़ ही चुके हैं सारी। और इसके अलावा इसमें संग्रहणी सूत्र है, संग्रहणी सूत्र मुख्य है। इसके अंदर संग्रहणी सूत्र के अंदर ब्रह्मांड की जो रचना हुई है उसके बारे में बता रखा है, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई उसकी पूरी डिटेल इसके अंदर दे रखी है, वो आपको याद रखना है। संग्रहणी सूत्र सबसे मोस्ट है, संग्रहणी सूत्र का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। संग्रहणी सूत्र हीणी, संग्रहणी सूत्र ध्यान रखें, इसका विशेष ध्यान रखें आप, संग्रहणी सूत्र का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। फिर महावीर स्वामी की शिक्षाओं, देखो एक चीज देखो इधर,
साथ पांडुलिपि या पोथी चित्रण के पृष्ठों को एक साथ जोड़ने के लिए ऊपर नीचे लकड़ी के दो आवरण लगाए जाते थे। ऊपर नीचे क्या किया जाता था, लकड़ी के दो आवरण लगाए जाते थे। जैसे कोई 5-10 कागज लिए, उसके ऊपर लकड़ी का आवरण, नीचे लकड़ी का आवरण, और एक धागे से बांध दिया जाता था। उसे क्या कहा जाता था, पटलिस। पटलिस किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संग्रहणी सूत्र में क्या चित्रित किया गया है ब्रह्मांड के बारे में, पटलिस क्या होता है, पटलिस होता है कि कवर पेज में लकड़ी के दो आवरण लगाना पटलिस होता है। देखो आगे, भारत में ताड़ के पत्ते पर बनी पांडुलिपि सर्वप्रथम पश्चिम भारत से प्राप्त हुई थी, जो 11वीं शताब्दी की है, ये भी आप ध्यान रखें, प्रथम 11वीं शताब्दी की पांडुलिपि है। इसके अलावा जो मोस्ट है वो शास्त्र दान की मैंने बताई दी, और जैन शैली का स्वर्णकाल 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक माना गया है, जैन शैली का स्वर्णकाल। देखो एक नोट और लगा के अपन ने बात लिखी हुई है, इसमें चोर पंचासी का 15वीं शताब्दी में गुजरात में चित्रित किया गया था, जो एनसी मेहता संग्रहालय गुजरात में सुरक्षित है। ठीक है, चोर पंचासी का, इसके एक ये प्रेम प्रसंग कहानी है चोर पंचासी का, जिसमें एक प्रेमी और प्रेमी की प्रेमिका या नायक या नायिका के बारे में विवरण किया गया है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर पाल शैली है, पाल शैली में प्रज्ञा पारमिता एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना की गई थी प्रज्ञा पारमिता की। ठीक है, और ये जो ग्रंथ था ये पाल शैली का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन सी शैली, पाल शैली। ठीक है, तो पाल शैली के बारे में विवेचन किया गया है। और फिर इसके बाद में अपन बात कर रहे थे जैन शैली की, जैन मीठा राम भागवत पुराण का सुप्रसिद्ध चित्र है। मीठा राम याद रखना, 1550 ईस्वी में चित्रित मीठा राम भागवत पुराण का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। इसके अलावा नासिर शाह खिलजी के शासन में मांडू में चित्रित नियमितनामा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पकवानों की किताब याद रखना है, पकवानों की किताब, ये आप याद रखेंगे। पकवानों की किताब कौन सी थी, नासिर शाह खिलजी की, जिसको नियमित नामा कहा जाता था, पकवानों की किताब, याद रखना है इसको, पकवानों की किताब किसे कहा जाता है। और अष्ट सहस्त्री का प्रज्ञा पारमिता जो अभी मैंने लिखा था, उसमें 8000 श्लोक हैं, याद रखें इसको, कितने 8000 श्लोक हैं। ठीक है, और ये अष्ट सहस्त्री ये आप पढ़ी लोगे। तो जो मोस्ट बात थी इस चैप्टर की वो मैंने आपको क्लियर बताई है। आप लोग एक एक चैप्टर में से, जैसे इस चैप्टर में से छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके 1/2 नंबर के लगभग क्वेश्चन आएगा, तो आप और 2 क्वेश्चन आएंगे लगभग, तो आप ये छोटे क्वेश्चन प्रण पृष्ठ प्रण फोलियो प्रज्ञा पारमिता संग्रहणी सूत्र जो नियमित नामा जिसे पकवानों किताब कहा जाता है, पाल शैली जैन शैली शास्त्रदान पटलिस, ये जो मोस्ट टॉपिक हैं इनको आप कंठस्थ याद करें। इनके अलावा कुछ नहीं आएगा उसके अंदर, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ये सब मोस्ट टॉपिक इसमें आएंगे। तो ये मोस्ट टॉपिक आप जरूर याद करें, और कल अपन राजस्थानी शैली का अध्ययन करेंगे। इसी तरीके से ऐसे ही अपन पूरा नोट्स का विवरण देख के अध्ययन करेंगे। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों को शेयर करें, बताएं कि अपन इससे अपन आगे भी बढ़ सकते हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग एक मामूली सब्जेक्ट नहीं, इससे अपन आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन अभी तो अपन हाल फिलहाल एग्जाम की बात करते हैं, और एग्जाम में अपन बढ़िया टॉप करेंगे, ये गारंटी है। अपन 10 दिन के अंदर अंदर पूरे टॉपिक क्लियर कर लेंगे, इस तरीके से मेन टॉपिक ही पढ़ेंगे केवल। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें और पढ़ाई में लीन रहें आप, और बाकी अपन कल राजस्थानी से ही पढ़ेंगे इसी तरीके से, बेस्ट तरीके से। ठीक है, थैंक यू।